भाई रोड ही नहीं दिख रही आज तो, इतनी धुंध है, आज ही होना था गए। चल बांध इसको यहाँ पर, बांध ऐसे, हाथ भी नहीं आया मेरे। तो ऐसे करना इसको, ऐसे करके मैं तेरे को बोल रहा था ना तोड़ के कर, इसको थोड़ा सा तोड़ ले पहले फिर बांध उसको। तोड़ के नहीं होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। गधा ये तू यार, सच में तू कर, तेरे को लाया किस लिए? उसी तो लाया हूँ। बांध उसको अच्छी तरह से, बांध दिया पूरा। और भाई ये देखो कितनी फॉग है यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे के टाइम पे। एक डेढ़ हफ्ते से मौसम इतना साफ था कि विजिबिलिटी बहुत कम है आज, पता नहीं क्या बनेगा राइड का। सो हम घर से तो निकल गए हैं, 6 बज के कम से कम 15-20 मिनट पे निकले थे, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी हम सेक्टर 56 पे खड़े हैं, तो सोचा कि ये फ्लैग यहाँ पर बांध लेते हैं। फ्लैग भी एक तो इतना छोटा लेके आया, कह रहा कि मार्केट में फ्लैग आने बंद हो गए भाई, अब इतना छोटा लेके आया ऐसे ये बांधा नहीं जा रहा इससे। अब बस ये तोड़ ना दे, ये डर है मुझे। वो देख रहे कैसे बांध दिया, टेढ़ा कर दिया पूरा। ओ भाई सीधा कर, इसे उड़ के ऐसे ही चले जाएगा नीचे को। अगर आज मुझे फ्लैग नहीं मिला तो बेइज्जती हो जाएगी, फ्लैग मार्स पे निकल रहे हैं और ये साला फ्लैग इतना छोटा लेके आया हुआ है। सो व्हाट्सअप अगेन, आज है 26 जनवरी 2023। 26 जनवरी बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, 26 जनवरी किस लिए स्पेशल डे है। तो आज के दिन हमने, हमारा एक भाई है उसने राइड निकाली हुई है, कम से कम 25-30 किलोमीटर की होगी। सो देखते हैं, अभी निकल रहे हैं हम घर से, आज फॉग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब देखते हैं क्या बनता है राइड का, और राइडर्स भी काफ़ी आने वाले हैं आज। अब वो वहाँ जाके पता लगेगा, अभी एग्जैक्ट लोकेशन भी ग्रुप में डाली नहीं है किसी ने, उन्होंने कहा था कि 6:30 तक डाल देंगे, बट अभी टाइम हो चुका है, पर अभी डाला तो है नहीं। चलो देखते हैं अभी निकलते तब तक। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये देखो ये बांध रहा है फ्लैग। फ्लैग लेके आया इतना छोटा, इसको मैंने बोला था अच्छा सा फ्लैग लेके आना, क्योंकि कल मैं ऑफिस से आते टाइम तो मुझे मिला नहीं कहीं, पता नहीं क्या था कि आज। वैसे तो हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में बाहर जो लोग होते थे फेरी टाइप में जो लगा के रखते थे, फ्लैग बेचते थे, इस बार पता नहीं मुझे कहीं मिला नहीं। और इसको मैंने बोल दिया था कि ले आना, इसको भी नहीं मिला। और ये कहता है कल रात को इसको मैंने कॉल किया, उसके बाद ये लेके आया सिर्फ एक फ्लैग, वो छोटा सा लेके आया, कपड़े का बोल रहा था, मुझे तो प्लास्टिक ही लग रहा है। अब अगर वहाँ पर जिसने राइड ऑर्गेनाइज की है उसने अगर फ्लैग का फ्लैग की अरेंजमेंट नहीं की तो फिर दिक्कत हो सकती है, इतने छोटे से मेरे को काम चलाना पड़ेगा। पर चलो कोई बात नहीं, दिल में देशभक्ति होनी चाहिए। अब भाई साहब इसने ये थोड़ा बहुत जुगाड़ तो कर दिया है, इसको बांध कैसे कैसे, इसको पकड़, इसको पकड़ अच्छा, इसे तोड़ने के लिए इसको पकड़ना था बस, मतलब ये किसी काम का नहीं है। इसको मैं लेके तो आया हूँ, और ऊपर से वीडियो पता नहीं किसकी बना रहा है, ये उस तरफ को पता नहीं कहाँ कैमरा घूम रहा है। सो देखो गाइस तिरंगा कितना अच्छा लग रहा है लहराते हुए। तो गाइस ये तो हमने यहाँ पर बांध दिया झंडा तिरंगा किसी भी तरह से थोड़ा बहुत जुगाड़ करके। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं, सूरज देवता भी दर्शन देने वाले हैं लगता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रोशनी हो चुकी है। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं 7 बजे तक, हमने वहाँ पॉइंट पर पहुँचना था पर हम लेट हो चुके हैं थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, फॉग है थोड़ा बहुत लेट भी चलता ही है। गाइस देख रहे हो कि तिरंगा कैसे लहरा रहा है, बाइक की आवाज के साथ साथ ही तिरंगा भी लहरा रहा है, सेम वैसे साउंड सेम कर रहा है। और विजिबिलिटी देख रहे हो गाइस कितनी है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब आंखें बंद करके ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद करके बाइक चला रहा हूँ मैं, मगर फिर भी अंदर इतना जोश है इस तिरंगे को लेकर कि पॉइंट पर पहुँचना ही पहुँचना है किसी भी हालत में। ठंड भी बहुत लग रही है आज। अगर अभी 7 बज चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं दोस्त का कि उसके साथ हम यहाँ से निकल लेंगे करके। अब देखते हैं यहाँ पर चाय कहीं मिल रही थी, हम चाहते तो चाय पी रहे थे, ठंड बहुत हो रही है, आया चाय पीते। तो यार 7:30 बज चुके हैं और अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं उसका, मेरे हिसाब से वो अभी उठ के भी नहीं आया। अभी कह रहा है मैंने कॉल किया उसको, जिसने मेरे को इन्वाइट किया था, तो उसको कॉल किया, वो कहता कि अभी भी उठा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। और उसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से पैदल रास्ता 5 मिनट का होगा। मैं इतनी दूर से यहाँ पहुँच गया, वो वहाँ से यहाँ तक नहीं आया अभी तक। अब देखते हैं कब तक आता है, वेट करते हैं। 8 बजे ही कह रहे थे कि राइड शुरू कर देंगे, पर फॉग के हिसाब से शायद थोड़ा डिले हो सकता है। We'll be right back.
आगे बुला रहा था, पर मैं निकल चुके हैं हम यहाँ से। अभी अब देखते हैं भाई किस जगह, कहाँ, कौन सी इन्होंने अगली डेस्टिनेशन रखी है, स्टॉप पॉइंट जो हमारा रखा हुआ किधर रखा हुआ है, कोई कुछ आइडिया नहीं है। तो भाई साहब ये देखो इतने राइडर हमारे पास आए हुए, अगर मौसम साफ होता तो और भी ज़्यादा रश होता मेरे हिसाब से। भाई हेलमेट पहन ले, हेलमेट। चलो भाई यार, बाइक की ना टायर में थोड़ी हवा भी कम है। हर हर महादेव, जय। भाई मैंने ग्लव्स नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे कैमरे में रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ग्लव्स डाले नहीं है। तो यार बोल में मत कि ग्लव्स क्यों नहीं डाले, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो भाई कह रहा है कि इसमें वीडियो एक छोटी सी क्लिप लेनी है, तो लाइन वाइज निकलना हमने। भाई मुझे बाइक में थोड़ी हवा भी भरानी थी, मेरे बाइक के पिछले टायर पे हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे देखते हैं अगर कहीं मिल जाता है हवा वगैरह तो ठीक है। और मैंने अपने साथ एक नल्ला रखा हुआ है, दोस्त साले को लेके आया सुबह से, मैंने इसको बोला थोड़ा क्लिप बना दे एक दो वीडियोस की। भाई इतना शर्मा रहा है ना, पता नहीं क्या इतने, मतलब अब भेजा तो हुआ, आगे को देखते हैं कैसी वीडियो लेके आता हूँ। कहाँ गया, दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ चला गया। अरे इससे अच्छा मैं उतर जाता। अच्छा आ गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगा लेता हूँ मैं भी अपने साथ का, ये लग रहा है हवा भरवा लेते हैं। बंदे! 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 बंदे!
में अगर अच्छी वीडियो क्लिप्स देखने को नहीं मिली तो इस बंदे के कारण नहीं मिलेंगी। देख लो ये सामने है, तू कहाँ देख रहा है, खुद को देख तो। इसको मैंने बोला है, फ़ोन भी दिया हुआ कि अच्छी अच्छी क्लिप है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक से ले लेना। इसने अभी तक 3-4 क्लिप ली है बस। अरे फोटो भी क्लिक की। तो भाई यहाँ पर अभी रुके हुए हैं हम, थोड़ी देर के लिए स्टॉप लिया हमने। इसके बाद हो सकता है हम यहाँ से वापस जाएं या हो सकता है आगे कंटिन्यू करें, अभी कुछ मुझे अपडेट नहीं आई। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। और भाई इसको बोला था मैंने कि वीडियो बनाना पता नहीं क्या कर रहा है, अपनी सेल्फी लेने पर लगा हुआ है, किसी काम का नहीं है सारा नल्ला। तो भाई अब चलाने के लिए बाइक किसको दी है, अब देखते कैसे चलाते हैं। क्लिप्स रखने बहुत कह रहे, बिना क्लिप्स में चलाऊंगा नहीं, मैंने क्लिप्स बनानी तो बहुत। अब मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनानी है इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ, इसको दिया है ना बाइक चलाने के लिए, अब देखते कैसे चलाता है। सो गाइस अभी हम ऐसा मतलब थोड़ी सी पार्किंग की जगह सर्च कर रहे हैं ताकि थोड़ी हमें खुली जगह मिल जाए। निकल रहे हैं हम अपने ग्रुप के साथ धीरे धीरे। तो भाई ये हो गया, देखो कांड अभी अब ये घर जाने से पहले ठीक करवाना पड़ेगा। लगे तो नहीं तो यार हुआ कुछ ऐसा कि इसने ब्रेक मार दी आगे की, चलते चलते आगे की ब्रेक मार दी तो तब जाके थोड़ी सी स्लिप होगी बाइक। बाकी यार कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं लग रहा मुझे, ये यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, ये पता नहीं ये कहाँ से टूटा है भाई, ये करवाना पड़ेगा पता नहीं कहाँ आप चिपकेगा ये जाएगा मुझे लग रहा है। इसका लॉक टूटा अंदर से आई थिंक वहाँ से। चलो देखते हैं अब क्या होता है इसका। भाई ये तिरंगा भी यार बड़ी से लगाया था, ये भी तो नीचे गिर चुका है, यहाँ से इसको लगाना पड़ेगा। चलो बाकी ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ यार, मैं मेन वो था कि हैंडल को कुछ ना होगा, हैंडल ना टेढ़ा हो। हैंडल मैंने चला के देखा तो हैंडल तो ठीक है, बस साइड का ये थोड़ा सा ये टूट के निकल चुका है। अब ये पहले करवाना पड़ेगा इसको यार, ये तो फिर बेकार ही हो गया, मूड ही ख़राब हो गया इसके कारण। बाकी यार चोट नहीं लगी, बस ये है कि मेन चला रहा था जो चोट नहीं लगी उसको।
आ गया। मैं चलाऊंगा अब निकलते आपके, क्योंकि यहाँ रुकने का फायदा भी कुछ नहीं है। हेलमेट भी थोड़ा गंदा हो चुका है, साइड का ये भी क्लिप भी टूट गई इसकी। अरे हंस ले तो। चलो ग्लव्स भी टूट चुके हैं पूरी तरह, टूट नहीं चुके फट चुके हैं ग्लव्स भी, जिसमें हैं बेबी किसी काम के नहीं है। एक तो खराब हो गया, एक थोड़ा बहुत एक से क्या ही करूँगा मैं। केएफसी के पास यहाँ पर पार्किंग पे थोड़ी देर रुक रहे हैं। यहाँ पर ये अपने बिली वगैरह करतब वगैरह दिखा रहे हैं। इसके बाद सोच रहे कहीं ढाबे वगैरह पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो, कोल्ड ड्रिंक करके कुछ खा लें, उसके बाद निकलते हैं घर को। यार मैंने पहले, सबसे पहले तो ये बाइक का करवाना पड़ेगा ठीक, आगे अच्छा नहीं लग रहा। बस बाकी सब राइड में ठीक था सब कुछ, बस थोड़ा सा मूड खराब कर दिया इस एक्सीडेंट ने। इसकी भी गलती नहीं थी यार, आगे से थोड़ा राइडर्स अपनी लेन चेंज कर रहे थे जिसके कारण इसने ब्रेक मार दी आगे वाले डिस्क। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, फिर से हुआ देखो। भाई लगी तो नहीं, अगले ने इसका स्टैंड टूट गया, स्टैंड टूट गया इसका, स्टैंड टूट गया। भाई ध्यान से करो यार, आपस में ठुक रहे तो लगी। भाई लग तो लगी तो नहीं, उतार के देख लो यार भाई एक बार यार। अरे उसके लिए तो पूरा खाली चाहिए, बाइक आगे रखी थी ऊपर हो गया था नीचे थोड़ी ना आएगा, उसका मिरर टूट गया। प्रो राइडर दूसरा हाथ दिखा ये तो ठीक है, ये भी पट्टी ठीक है, हम इस साइड को गिरे थे सारे। ये कैसे पट्टी तुझे बता, उस तरफ को गिरे, उस तरफ को ऐसे बम खा के गिरे थे क्या, ऐसे करके कैसे। यार साले ऊपर से ये, अब ये जाते जाते ठीक करवाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा यार ये। बाकी और तो कुछ नहीं, चलो इंडिकेटर भी ठीक है यार, इंडिकेटर नीचे से छिला है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये चीज़, अब इसको ना निकलवा के टेपिंग करवानी पड़ेगी दूसरी, चलो ये करवा लूँगा मैं। बाकी ये थोड़ा सा लॉक टूट गया इसका यार, अंदर से लॉक दिख रहा है मुझे जब वो टूट गया है, हाँ लॉक टूट गया है। चलो बाल खराब हो चुके हैं पूरी तरह से हेलमेट के कारण, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर ढाबे पे, थोड़ी बहुत यहाँ कुछ खा लेते हैं, सुबह से भूखे हैं, ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए, मैं तो चाय पी के भी नहीं आया, मेरे साथ से मेरे दोस्त भी चाय पी के नहीं आया जो गिर चुका है नीचे। तो यहाँ पर अभी हमने बाइक के पार्क की हुई है, सारे राइडर्स यहीं पर ही खड़े हैं, तो दुआ करता हूँ कि इसके आगे कोई ट्रेजेडी किसी के साथ ना हो। अभी उसके बाद मैंने जैसे वीडियो दिखाई आपको कि उसके बाद एक और व्हीली करते हुए नीचे गिर गया,
और जो दूसरा लड़का जिसे मैं स्टैंड बोल रहा था, स्टैंड नहीं टूटा उसका, उसका ब्रेक टूट गया, जो फुट ब्रेक होती है वो टूट गया उसका, जो अब वो सिर्फ एक हैंड ब्रेक के थ्रू चल रहा है, कैसे आराम आराम से लेके जाएगा उसको। और ये भाई है अपना जेडी भाई जिसने इनवाइट किया था मुझे। गाइस इसका बंदा गिर के अभी डिप्रेशन में चल रहा है, भाई सोच रहा है, सोच रहा है मैं कास ब्रेक नहीं मारता। चलो कोई बात नहीं यार, होता है, छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो भाई सब कुछ मजाक था, कोई डिप्रेशन में कुछ नहीं है, एंजॉय कर रहे सारे, चोट तो लगते रहती है राइडिंग में, अगर हम बाहर निकलेंगे खतरा नहीं है तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी बहुत चोट तो लगती रहती है, पर इसको थोड़ी बहुत रही शायद थोड़ी ज्यादा लगी, बता नहीं रहा है ये लगी सारी ज्यादा, सच बोल यही लगी थोड़ी सी लगी है ना, चलो ज्यादा चोट नहीं लगी है शुक्र है, मेन तो ये है कि चोट नहीं लगी होनी चाहिए, बाकी तो चीजें आई जाएंगी ठीक, तो बाइक ठीक हो जाएगी, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ मुझे, भाई ये कि आगे से ध्यान रखो कभी भी चलाओ ना आगे, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखो कि आगे वाले फ्रंट ब्रेक का यूज कम से कम करो। तो यहाँ पर भी देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, चाय वगैरह जो कुछ है, स्नैक्स वगैरह, इसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर को, माल लेके आया था मैं घर से बिल्कुल धो के चिट्टा, साले ने ऐसा लगा दिया, बना दिया काला कर दिया पूरा, धो रहा है इसको, पानी गर्म है भाई, भाई ये साबुन से ही धोलेगा। तो भाई यहाँ बैठे भी ब्रेकफास्ट करने थोड़ा सा, ये बैठे अपने भाई लोग राइडर्स, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, और हमारा स्टार बिली बॉय ये वो ना ना गिरा नहीं, इसकी गलती नहीं थी यार, उसमें हो जाता है, यहाँ बैठते थोड़ी देर, आधे बंदे यहाँ आधे बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, हम कहाँ बैठे, यहाँ बैठे, चलो हम यहाँ बैठते हैं फिर, आ रहा हूँ इधर को, आ रहा हूँ। अब क्या बोल रहे भाई साहब कि मेरे जब घर आ रहा था मैंने इसको बोला काली बिल्ली इसका रास्ता काट गई थी, तब जाके गिरा भाई, गलती इसकी नहीं है, गलती बिल्ली की है, गलती इसकी नहीं है, गलती बिल्ली की है, उसने रास्ता क्यों काटा, आज जाके पकड़ना उसको, ठीक है, बिल्ली ने नुकसान करा दिया, गलती ना इसकी है ना मेरी है, गलती है काली बिल्ली की। तो यहाँ रुके थे अभी, यहाँ पर एक राइडर जिसकी ब्रेक टूटी थी उसका वेट कर रहे थे, वो आ चुका है, वो निकल गए होंगे आगे, हम यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए मैं रुका था, टंकी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, अभी जब बंद ना हो जाए बस, यहाँ पर पेट्रोल है नहीं, इन्होंने बोला कि अभी है नहीं, अब देखते हैं आगे कहीं मिलता है तो हम भी निकलते हैं इसे। इस तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, अब हमें इधर से निकलना पड़ रहा है, पता नहीं ये रास्ता मेरे साथ लंबा होगा पर हमें ट्रैफिक का सामना यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, तो हमने इसलिए ये रास्ता चुना है। सो भाई यहाँ करने को मिल गई हमें थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग, ट्रैफिक से बचने के लिए, मतलब हम इस तरफ को आए बट यहाँ पर भी ट्रैफिक मिला हमें, मतलब जितना भी वहाँ ट्रैफिक था सारा इसी तरफ को आ गया ट्रैफिक से बचने के लिए। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, यहाँ ज़्यादा फंस जाएंगे, और ऊपर से रोड देखो कैसी है, बाइक भी गंदी, चलो ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी आज, निकलते हैं आगे को यहीं से, अब क्या कर सकते हैं। ओ भाई साहब यहाँ से निकलना तो एक टास्क ही था, ट्रैफिक से बचने के लिए वहां से इस तरफ को आए, पर इस तरफ से मतलब हमारी तरह सभी की सोच मतलब एक ही जैसी है, देखो ट्रैफिक से बचने के लिए सबने सेम रूट अपनाया, और यहाँ पर भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक करवा दिया, यहाँ पर भी देखो कितना ट्रैफिक हो गया, अब यहाँ से आना कीचड़ी कीचड़, बड़ी मुश्किल से बाइक निकाल के लाए हैं, अभी सारे यहीं खड़े हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, ऑफ रोडिंग भी होगी हमारी यहाँ अच्छी खासी वैसे, और वाटर क्रॉसिंग भी थोड़ी सी। भाई व्यू देखो इधर का व्यू, और ये चील देखना कैसे घूम रही है लाइन वाइज, कैसे खड़ रखी है ऊपर तार में। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रिप कंप्लीट करके सेम डेस्टिनेशन पे जहां पर सुबह हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, व्लॉग हमने सुबह स्टार्ट किया था उस तरफ, अभी हम है इस तरफ। तो अब यहां से अभी हमारा प्लान ये है कि जो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है, इसको टूटा हुआ है, इसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग करवा लें इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, इसके बाद फिर हम घर चलते हैं। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ व्लॉग का एंडिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना,
गंदी लगी तो कमेंट जरूर करना, क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो वीडियो को मैं यहीं पर कर रहा हूँ क्लोज, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।